हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में थे। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 से अब स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो क्या कहना है इसमें? देखो, इसमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू तो निकल ही जाएगी। उसके बाद भी कुछ कहना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इस x और y को निकाल करके इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल देनी है ना, तब m की वैल्यू निकलेगी। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के। चलो तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, उसको दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। तो यहां देखो, यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, तो 2x की वैल्यू निकाल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलो, अगर पहले इक्वेशन से 2x की वैल्यू निकाल देते हैं तो 2x क्या आएगा, 11 माइनस 3y और इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। 2x की जगह पे हमें डालना है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहां से क्या आएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, यानी कि y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई। अब यहां से निकाल दो x की वैल्यू, ये 2x की वैल्यू जो निकाल रखे हैं हम लोग, से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 3y 15 होगा, डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा ये, माइनस 4 बाय 2 माइनस 2। ठीक है, हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब इस इक्वेशन की बात करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, उसमें डाल दो y की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू m पता नहीं है, x की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3, मतलब क्या आएगा, माइनस 2m इज इक्वल टू 2, यही आएगा ना, m इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। यहां से m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन, समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और फिर उस हिसाब से सॉल्व करना है। इसमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा था, m की वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू नहीं पूछी गई, इसमें m की वैल्यू पूछी गई है। अगर x और y गलत आया तो m भी गलत ही आएगा, एक्स और वाई नहीं निकल पाया तो हम निकल ही नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन नहीं दिया गया है, इक्वेशन हमें बनानी है फिर उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दो नंबर्स की बात हो रही है, हमारे दोनों वेरिएबल्स दो नंबर्स ही होंगे, x एंड y, लेट एंड x एंड y बी द टू नंबर्स। क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 26, मतलब x माइनस y इज इक्वल टू 26। अब तुम बोलोगे y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अभी हमने माना है कि x इज ग्रेटर देन y, अगर y माइनस एक्स इज 26 देखोगे तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू जो आएगी वो y में चली जाएगी, y की वैल्यू x में चली जाएगी, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिखो या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखो, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, मतलब x इज इक्वल टू 3y, यही होगा ना। देखो यहां पे उल्टा नहीं कर सकते हो, 3x इज इक्वल टू y नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हमने मान लिया x इज ग्रेटर देन y, तो x ही बड़ा होगा ना, x y से तीन गुना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये इक्वेशन बना दोगे तो गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, आंसर या तो नहीं निकलेगा या गलत निकल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यदि हमने पहला इक्वेशन इस तरह से लिखा है तो दूसरा इक्वेशन इसी तरह से होगा, लेकिन यदि पहला इक्वेशन किसी ने इस तरह से लिखने का सोचा है तो वो लिख सकता है जरूर एक्स, थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो, हमने माना है x इज ग्रेटर देन y, तब इस तरह का इक्वेशन बन रहा है, x बड़ा है उसमें से y सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 26 बचा रहा, x बड़ा है तो y से तीन गुना है। अगर कोई इस तरह से बनाता है तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा, y अगर बड़ा ले रहे हो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 आएगा, और जब y बड़ा है तो y x से तीन गुना होगा, है ना। उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ले लोगे तो गलत होगा, ये दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हो या ये दोनों सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम लोग पहले दोनों को सॉल्व करते हैं, दूसरे को भी करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ हमें सीधा सीधा x की वैल्यू दी हुई है, उसको रख लो वहाँ पे y में, क्या आएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, मतलब 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, ठीक है। x भी यहां से मिल जाएगा, क्या होगा 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39, ठीक है। तो हमारे दो नंबर्स क्या है 39, 13, चेक कर सकते हो आंसर को, हम दोनों का डिफरेंस 26 है, 39 माइनस 13 26 आ ही जाएगा, और दूसरा वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, 13 इंटू 3 39 होता है, मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह से चेक भी करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अब याद है ज्योमेट्री में पढ़ा था, अगर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं पता है तो ये नहीं बनेगा। दो एंगल मान लो हमारे x और y हैं, क्योंकि एंगल मानना तो होगा ही पहले। ये दोनों सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब x प्लस वाई कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्रीज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है, x प्लस वाई अगर 90 डिग्री है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्रीज होता है। यह हमारा पहला इक्वेशन है, x प्लस वाई 180 डिग्रीज, और क्या है लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब x यदि लार्ज है, x इज ग्रेटर देन y अगर मान लेते हैं हम लोग, तो x माइनस वाई कितना होगा 18 डिग्रीज, ठीक है। यह दूसरा इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिग्रीज प्लस y, अब इसको डाल दो पहले इक्वेशन में, क्या आ जाएगा 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। ये 18 प्लस वाई x की वैल्यू है, प्लस y मतलब 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री, y इज इक्वल टू 81 डिग्रीज, ठीक है। और यहां से x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा 18 प्लस 81 इज इक्वल टू 99 डिग्रीज, तो आगे दोनों डिग्री एंगल्स 99 डिग्रीज एंड 81 डिग्री, ये दो एंगल हैं हमारे, ठीक है।
समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल यहां पे पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या करना होगा इसमें? कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल की बात हो रही है, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब एक्स और वाई हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कॉस्ट ₹3,800। 7 बैट मतलब 7 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3,800। ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है। दूसरा देखो, 3 बैट एंड 5 बॉल्स कॉस्ट ₹1,750। 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल मतलब 5y इज इक्वल टू 1750, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहां से x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्या आएगा? 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। देखो गलत नहीं करना है इस वैल्यू को निकालने में, अगर यहां पे गलती हुई तब तो आंसर गलत ही आएगा ना। गलत नहीं करना है सॉल्व करने में, इस तरह का कोई मिस्टेक नहीं करना है। x की वैल्यू 1750 माइनस 5y इधर चला जाएगा, माइनस 5y और फिर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब इस वैल्यू को इक्वेशन वन में डालना है। 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। ले लो एलसीएम ले लो, क्या आएगा? इज इक्वल टू 11,400। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहां पे? माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। कितना हो जाएगा? माइनस 850। यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई, माइनस 850 डिवाइड बाय माइनस 17, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? ₹50। एक बॉल का दाम मिल गया है हमें ₹50। अब यहां पे डाल दो 50, y की वैल्यू 50 डाल दो, x मिल जाएगा हमें। x इज इक्वल टू 1750 माइनस कितना हो जाएगा? 5y है, 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 3, 1500 बाई 3 ₹500। एक बैट ₹500 का है, एक बॉल ₹50 का। अब इसको चेक कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। हाँ, इसी इक्वेशन में डाल के चेक करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 500 डालनी है, 500 इंटू 7 3500 और y की वैल्यू 50 डालनी है, 6 इंटू 50 300, 3500 प्लस 300 3800। ठीक है, अगर वर्बली नहीं कर पा रहे हो तो लिख के चेक कर सकते हो कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे चेक करो दूसरी बार इक्वेशन में, 500 इंटू 3 1500 प्लस 5 इंटू 50 250, 1500 प्लस 250 1750। सही आ रहा है हमारा आंसर, सही आएगा, अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो सही आएगा। चौथा क्वेश्चन,
यह एक अलग सा क्वेश्चन है। देखो, ए टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर जी चार्ज पेड इज ₹105। ये कितने दूर के लिए था? 10 किलोमीटर के लिए था। तो अब बात समझ रही है, पहले यहाँ पे बात समझना है पहले यहाँ तक में। जो टैक्सी का भाड़ा लगता है उसमें जिन्होंने देखा है मीटर जब जैसे ही ऑन करते हैं तो मीटर में कुछ अमाउंट आ जाता है, जैसे मान लो ₹50 आ गया या ₹60 आ गया या ₹100 आ गया, कुछ इस तरह का चार्ज आता है। मतलब वो टैक्सी में बैठने का चार्ज हो गया सिर्फ, उसी को फिक्स्ड चार्ज कहा जा रहा है यहाँ पे, है ना। सिर्फ टैक्सी में बैठ के 2 कदम चल के भी उतर जाओगे तो फिक्स चार्ज लग जाएगा, कितनी दूर गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो वो फिक्स चार्ज मान लो एक्स, एक्स हमारा है फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, ये जितना डिस्टेंस जाएंगे उतने पैसे लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक ₹1 दे दिए तो चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। जितनी दूर जाएंगे उस हिसाब से पैसे लगेंगे, ₹6 किलोमीटर, ₹10 किलोमीटर, ₹15 किलोमीटर, सब तरह का होता है। वो पर किलोमीटर पे होता है, तो ये पर किलोमीटर चार्ज होगा ₹Y, मान लो ₹Y पर किलोमीटर। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। ₹X जो है ये तो सिर्फ टैक्सी में बैठने का है, और ₹Y जो है प्रति किलोमीटर लगेगा। 1 किलोमीटर गए तो X+Y लगेगा, है ना। सिर्फ 1 किलोमीटर का जाना है तो X+Y, 2 किलोमीटर जाना है तो X+2Y, 10 किलोमीटर जाना है तो X+10Y, ठीक है। ये X फिक्स रहेगा हर हाल में, इसीलिए इसको फिक्स चार्ज कहा जा रहा है, और पर किलोमीटर चार्ज Y है, ठीक है। अब हमें दिया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर जाने में कितने पैसे लगेंगे? X+10Y, ये कितना है? ₹105, जो हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा पार्ट क्या है? फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹155। 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगना चाहिए? X+15Y, ये कितना है? ₹155। ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन, लेकिन पहले पहले पूछा क्या गया है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, मतलब एक्स और वाई निकालना है। हाउ मच डस ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, यह भी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हमें एक्स और वाई निकालना होगा। चलो दूसरा इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल देते हैं। x निकाल इसलिए रहे कि x सिंपली निकल जाएगा, 155 माइनस 15y। इस वैल्यू को डाल देना आप इक्वेशन नंबर 1 में, क्या होगा? 155 माइनस 15y, ये x की वैल्यू है ना, x की जगह पे ये पूरा आ गया है, प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सॉल्व कर लो इसको, 155 को राइट साइड में ले आएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा, तो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस 50, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। ₹10 प्रति किलोमीटर उसको लगेगा, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू मिल गई है 10। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो, इसमें y की वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा? 155 माइनस 15y, 15 × 10, 150 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया, x की वैल्यू 5 आ गई, x और y निकल गया, बहुत सिंपल था। चेक कर लो अब, x 5 है, y 10 है, y इंटू 10, 10 इंटू 10 100 प्लस 5 105 मैच हो रहा है। यहां भी चेक कर लो, 15 इंटू 10 150 प्लस 5 155 मैच हो रहा है, एक्स और वाई हमारा सही आया है, कोई डाउट नहीं रह गया। अब 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? X+25Y, यही लगेगा ना, फिक्स चार्ज X+25Y, तो कितना हो जाएगा? X 5 है, Y 10 है, 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255।
25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये लगेंगे। दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। ओके, समझ में आया? डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था यह। समझ में आ गया तो पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब हमें फ्रैक्शन चाहिए। चलो एक्स वाई बहुत कर लिए, इस बार ए बाई बी ले लेते हैं। फ्रैक्शन, अगर हमारे पास ए डिवाइड बाई बी है, क्या दिया है? 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ए प्लस 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? बी प्लस 2, है ना? तो क्या होता है, दोनों में 2 ऐड करने के बाद फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9 डिवाइड बाई 11। यहां से पहला इक्वेशन ले निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11a प्लस 22 इज इक्वल टू 9b प्लस 18, मतलब 11a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। यह हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा पार्ट में क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब a प्लस 3 होगा और नीचे बी प्लस 3 होगा, तो कितना हो जाता है? 5 डिवाइड बाई 6। यहां से दूसरा इक्वेशन निकालना है, 6a प्लस 18 इज इक्वल टू 5b प्लस 15। यहां से निकाल लो, 6a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन था। दोनों में से ए या बी किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो चलो दूसरे इक्वेशन से ही बी को निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होगा? 5b इज इक्वल टू 6a प्लस 3, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6a प्लस 3 डिवाइड बाय 5। इस वैल्यू को अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, तो डाल दो। 11a माइनस 9, बी की वैल्यू क्या है? 6a प्लस 3 डिवाइड बाई 5, किसके बराबर होगा? माइनस 4। एलसीएम लेना होगा। 55a माइनस 54a माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 20, है ना? यहां से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 आ रहा है, 55 माइनस 54 a, और 27 राइट साइड में जाएगा, तो 27 माइनस 27, a जब आ गया तो b को भी निकाल दो। b की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, क्या होगा? 42 प्लस 3 45 बाई 5 इज इक्वल टू 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? 7 डिवाइड बाई 9। चेक कर लो, 7 बाई 9 डालने से क्या होगा? प्लस 2 ऊपर किया और नीचे किया, 9 बाई 11 आ जाएगा सीधा सीधा, और प्लस 3 करने से कितना आ जाएगा? देखो चेक कर लो, 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5 बाई 6 आ रहा है, 5 बाई 6 मैच हो गया। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 इयर्स हेंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 इयर्स एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। इस तरह का क्वेश्चन एक हम लोग बना चुके हैं पहले भी। क्या कहते थे? लेट एज ऑफ जैकब ए ही लेते हैं इस बार फिर से, और सन की एज क्या हो जाएगी? बी। अब देखो क्या दिया है,
फाइव ईयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, ए प्लस फाइव। सन की एज क्या होगी, पी प्लस फाइव। तब क्या है यहाँ पे, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन की जो एज है उससे 3 गुना जैकब की एज होगी। सन की एज क्या है, बी प्लस फाइव, इससे 3 गुना है जैकब की एज, जो कि है, ये नहीं लिखना है ए प्लस फाइव लिखना है 5 साल बाद, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो क्या हुआ, 3b+15 इज इक्वल टू ए प्लस फाइव, है ना। और क्या कर रहा हूं, मतलब यहां से हमें ए मिल गया है 3b+10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सीधा सीधा ए यहां से निकल गया है, जिसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। तो अब दूसरा इक्वेशन बनाओ, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो जैकब की एज क्या थी, ए माइनस फाइव, बे। सन की एज बी माइनस फाइव। उस समय की क्या कंडीशन है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब बेटे की जो एज थी 7 टाइम्स बी माइनस फाइव किसके बराबर था, ये जैकब की एज जो थी ए माइनस फाइव। ठीक है, यहीं पे अब डाल दो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू जो है 3b+10 यहां डाल देंगे, क्या आएगा, 7b-35 इज इक्वल टू 3b+10-5। ठीक है, 3b को लेफ्ट में ले आओ, 4b इज इक्वल टू 35 राइट में आ गया, प्लस 10-5 +5 रह जाएगा, मतलब 4b इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, अब यहां पे b की एज डाल दो 40, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 33 × 10 +10, 40 ईयर्स। ठीक है, चेक कर लो, चेक करना नहीं भूलना हमें। ए की वैल्यू डालनी है हमें 40, बी की वैल्यू डालनी है 10। 5 ईयर्स हेंस 5 साल बाद क्या होगा, ए की एज यहां पे हो जाएगी 45, बेटे की एज हो जाएगी 15, 3 गुना हो रही है, 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स। और 5 साल पहले कितना था, ए माइनस फाइव 35, बी माइनस फाइव 5, 7 गुना है, सब कुछ मैच हो रहा है, मतलब आंसर हमारा सही है। चलो अगले वीडियो में हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन था, अगले में एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट होगा।